हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हमें क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आलेख खींचिए। ए, वैसे मैंने इनके वेन आलेख आपको प्रीवियस क्लासों में बता चुकी हूँ। पहले वाले वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये वेन आलेख क्वेश्चन नंबर 5 के जो भी वेन आलेख है वो आपको डी मॉर्गन लॉ को प्रूफ करता है। डी मॉर्गन लॉ मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को वापस एक बार करके भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए हम क्या, सबसे पहले ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी वेन डायग्राम के लिए मैं बात करूं तो मैं एक रेक्टेंगल बनाती हूँ। ये रेक्टेंगल हमें यूनिवर्सल सेट को शो करता है। इसमें मैंने ए सेट और ये मेरे पास बी सेट। ए सेट और बी सेट को पूरे को अगर मैं लूं तो मेरे पास ये क्या हो गया, पूरा अगर मैंने ब्लैक से लाइनिंग की है तो वो मेरे पास ए यूनियन बी आया। लेकिन हमें तो इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, तो इस यू में से ये वाला पोर्शन जो मैंने ब्लैक किया है उसको छोड़ देते हैं और जो मैं रेड कर रही हूँ उसकी बात करते हैं केवल। जो मैं रेड कर रही हूं वो मेरे पास हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसका डायग्राम हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी का सेकंड पार्ट देखिए क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए देखिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट की बात करती हूँ मैं। ये मैंने बनाया ए, ये यू, हमने ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगी तो ये वाला पोर्शन जो मैं ग्रीन कर रही हूँ ये मेरे पास ए सेट हो गया और जो मैं ब्लैक कर रही हूँ वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से मैंने ए को माइनस कर दिया तो मेरे पास ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मैं बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करती हूँ। बी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए देखिए कि बी वाला पोर्शन बनाती हूँ मैं। ये तो मेरे पास ये रहा जिसको मैंने यहाँ ग्रीन कर रखा है, अब इसी में बी वाला बनाती हूँ, ये बी वाला रहा, इसको भी मैं क्या कर देती हूँ, ग्रीन कर देती हूँ। पहले ए के कॉम्प्लीमेंट को तो दिखा देते हैं आपको। ए का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या है, ये सारा पोर्शन है जो ए का कॉम्प्लीमेंट ही तो है, ये मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब बी मेरे पास क्या है, जो रेड है वो मेरे पास बी का है और मुझे बी कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए मैं ब्लू से बी कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कर रही हूँ। देखो बी वाले पोर्शन को छोड़ दिया मैंने, बाकी सारा पोर्शन लिया है, जो ब्लू में था वो बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब हमें तो इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करने के लिए कहा है। ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट किया तब बी वाला पोर्शन भी आया और बी का कॉम्प्लीमेंट किया तब ए वाला भी पोर्शन आया, लेकिन हमें तो इनका कॉमन लेना है। कॉमन लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, केवल बाहर वाला पोर्शन, तो मेरे पास क्या बन जाएगा इनका अगर ए और बी का कॉम्प्लीमेंट का मैं अगर आपके पास इंटरसेक्शन देखूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, जो ग्रीन कर रही हूं वो मेरे पास ये मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो ये मेरे पास हो गया पूरा का पूरा ए का इंटरसेक्शन
और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, और ये मेरे पास U, ये अंदर वाले A और B है ये आपके पास। तो हमारे पास फाइनल वेन डायग्राम ये आया। अब इसी का तीसरा पोर्शन देखते हैं, हमें क्या दे रखा है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B याद करते हैं, इसके लिए मैं वेन डायग्राम बनाती हूँ। ये मेरे पास A और ये मेरे पास B, ये ए लिखा ये बी लिखा, अब इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन यानी ए और बी में जो कॉमन है कॉमन पोर्शन यही है, तो ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी आया। लेकिन हमें तो इन्होंने क्या कहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए, और कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए हम बात करें तो ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे, ये बीच वाला, बाकी सारा आएगा। तो ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसको मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकती हूँ। तो ये पूरा पोर्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसी का अगला, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं सबसे पहले। तो मैंने ये रेक्टेंगल बना के ये ए बनाया, ये यू, ए का कॉम्प्लीमेंट को मैं ब्लैक से शो कर रही हूँ, तो ये बाहर वाला पोर्शन सारा ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। बी के कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो पहले ए के कॉम्प्लीमेंट को तो ऐसा कैसा लिख लूँ, ये काम करते हैं, ये मैंने ए बनाया और ये मैंने बी बना रखा है। अब बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करें, बी के कॉम्प्लीमेंट को मैं ब्लैक से शो कर रही हूँ, तो बी वाला पोर्शन को छोड़ दो। देखो इसमें ए वाला पोर्शन आ रहा है, तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इनका यूनियन याद करना, यानी दोनों में जो है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या है, ए और बी। अब देखो इसका यूनियन, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, ये पूरा आया था, और बी के कॉम्प्लीमेंट में ए आया था, ए के कॉम्प्लीमेंट में पूरा पोर्शन। तो पूरा पहले ए को छोड़ के बाकी सारा ले लेते हैं। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट ये तो है, यूनियन ज्ञात करना है तो बी के कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़ना है, यानी इसको छोड़ना, बाकी सारा है जो ग्रीन वाला है वो बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये बार बार जो छोड़ रहे हैं एक तरीके से हम, तो ये वाला छोड़ रहे हैं, ये वाला पोर्शन छोड़ रहे हैं जो एकदम खाली है वही तो छोड़ रहे हैं, बाकी तो सारा आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फाइनल डायग्राम मेरे पास क्या बनेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट।